आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पोको की तरफ से पोको M4 Pro। तो दोस्तों M3 Pro तो आपको काफी पसंद आया, अब उसके बाद लॉन्च हो चुका है पोको M4 Pro। इस वीडियो में दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करके जानेंगे ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी एक लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। बाकी दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर रेट लिखा हुआ है 17,000 का, 16,999 की MRP है 17,000 की, लेकिन दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 15,000 में, प्राइस है दोस्तों इसका 15,000। इसके अलावा दोस्तों बॉक्स के अंदर देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या मिलते हैं इसके साथ M4 Pro के साथ। तो यहाँ पे पोको लिखा हुआ मिल जाता है एक मिनी बॉक्स में, जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल है कुछ इस तरीके से, और दोस्तों एक मिल जाता है सिंपल ट्रांसपेरेंट कवर, कवर की क्वालिटी आपको नॉर्मली मिलती है। इसके बाद मिलता है दोस्तों फोन एक रैपर के अंदर, जो मेरे पास है कूल ब्लू कलर में, डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। एक टाइप सी केबल दी गई है, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों काफी ज्यादा बढ़िया है, तो डेटा केबल आपको काफी अच्छी मिलती है इसके साथ। लास्ट में रखा हुआ मिलता है दोस्तों ये व्हाइट कलर में चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, और दोस्तों ये 33 वॉट का चार्जर है, चार्जर काफी ज्यादा फास्ट है, 33 वॉट का आपको मिलता है, तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी MI की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, तो आप उस चीज को इग्नोर कर दिएगा। कल परसों Redmi का Note 11 S अनबॉक्स किया था, उसमें भी यही चार्जर था। अब दोस्तों बाकी हमें क्या करना है, चार्जर तो आपको काफी बढ़िया मिलता है जो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो तो आपको काफी बढ़िया ही मिलते हैं इसके साथ Poco M4 Pro के साथ। चार्जर भी काफी ज्यादा अच्छा है, डेटा केबल भी काफी बढ़िया है, और दोस्तों इसी के साथ आपको कवर में मिल जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं Poco M4 Pro डिजाइन में कैसा है। तो दोस्तों कैमरे का मॉड्यूल आपको काफी बढ़िया मिल जाता है क्वालिटी वाइज, उसी के साथ दोस्तों आपको ब्लैक पोर्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ से आधा, ये चीज M3 Pro की तरह है, इसमें लिखा हुआ है Poco डिजाइन बाय Poco। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ 5G की ब्रांडिंग आपको मिलती है, साइडों से डिजाइन इसका कर्व्ड है, और दोस्तों इसी के साथ आपको इसके अंदर मैट फिनिश में डिजाइन दिया गया है। इसकी जो दोस्तों इनहैंड फील है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बाकी कैमरे का मॉड्यूल इसके अंदर आप देख सकते हैं 50MP का इसके अंदर आपको मेन कैमरा दिया गया है, बैक साइड पर इसमें आपको दो कैमरे मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी अभी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन, वैसे कलर तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आपको देखने में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका वेट जो है 195 ग्राम के आसपास है, 195 ग्राम्स, तो दोस्तों ये फोन थोड़ा सा हैवी है, लाइट वेट आपको नहीं मिलता। इसी के साथ दोस्तों कवर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कवर लगाने के बाद जो है इसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कवर हटा के लग रहा है। कई बार ट्रांसपेरेंट कवर लगाने के बाद भी जो है फोन काफी बढ़िया लगता है, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा डल हो गया। डिजाइन की जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको मैट फिनिश में मिलती है, मुझे थोड़ा सा पेपर फिनिश में डिजाइन लग रहा है इसका। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ इसकी इनहैंड फील कैसी है, तो बिल्कुल बस पेपर की तरह लग रहा है इसका बैक पैनल, थोड़ा सा रफ आपको मिलता है। तो दोस्तों डिजाइन कुछ इस तरीके से है इसका, और इसके अंदर दोस्तों आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंच के आसपास। अब डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो इसके अंदर आपको मिलती है IPS, इसके अंदर मुझे ये कमी लगी, AMOLED डिस्प्ले होनी चाहिए थी जो कि इसके अंदर आपको नहीं मिलती, IPS डिस्प्ले दी गई है Full HD+। और दोस्तों यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है। मुझे दोस्तों चलाने में ये फोन काफी ज्यादा बढ़िया लगा, बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में इसके कैसे लग रहे हैं, Poco के फोन आपको चलाने में अच्छे लगते हैं या फिर नहीं, ये चीज तो दोस्तों आपकी पसंद के ऊपर ही मैटर करता है। बाकी मुझे अगर दोस्तों आप मेरा ओपिनियन जाने, तो मुझे पर्सनली ये फोन चलाने में काफी बढ़िया लगा। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले में 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो यूज करने में ये काफी स्मूथ लगता है, रिफ्रेश रेट ज्यादा है तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी 120Hz का रिफ्रेश रेट होता तो और भी ज्यादा बेटर होता। अब डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन है पंच होल कैमरे वाला, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में। बाकी दोस्तों इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी नॉर्मल लगी, इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल आपको मिलती है, हालांकि मैंने बिल्कुल फुल कर रखी है अभी। कलर्स जो है दोस्तों आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं, तो कलर्स को लेकर तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस ब्राइटनेस जो है वो मुझे एवरेज लग रही है इसकी, इतनी ज्यादा भी नहीं है दोस्तों, बस नॉर्मल लग रही है। इसी के साथ दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको डिजाइन इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे एंगल से, अलग अलग लाइट में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, तो हो सकता है डिजाइन आपको अब और ज्यादा पसंद आ जाए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो इस तरफ आपको लेफ्ट साइड पर दी गई है सिम की ट्रे। अब सिम की ट्रे ऐसी मिलती है, दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ नहीं लगा सकते आप, या तो दो सिम कार्ड लगाइएगा या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ नहीं लगेंगी दोस्तों। अच्छी चीज ये है ये फोन 5G है, तो 5G सिम इसके अंदर आपका काम कर जाएगा, तो दोस्तों आप रेडी हो सकते हैं पहले से ही 5G के लिए। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड पर वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में है। ऊपर से देखेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, टीवी AC वगैरह चला सकते हैं इससे आप। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ भी स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ये खूबियां तो काफी बढ़िया है इसके अंदर।
जो आपको Redmi के फोन्स की तरह मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जैसे मैं टच कर रहा हूँ एकदम अनलॉक हो जाता है। तो स्पीड आपको बहुत ही कमाल की मिलती है दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर की, और बटन भी प्रॉपर बाहर है तो दिक्कत आपको नहीं होगी। फेस अनलॉक भी इसका इसी तरीके से काफी ज्यादा फास्ट ही काम करता है, तो इस चीज को लेकर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों बहुत ज्यादा फास्ट है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये चीज मुझे इसके अंदर डाउन लगी। 15,000 में इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज दी गई है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज है, 64GB में से इसके अंदर आपको 45GB के आसपास फ्री मिलती है। मेरे ओपिनियन में कम से कम 128GB होती 15,000 में तो काफी बढ़िया रहता। 4GB रैम बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर, 1GB रैम और बढ़ा सकते हैं तो 5GB हो जाएगी दोस्तों रैम। MIUI का 12 वर्जन मिलता है इसके अंदर और एंड्रॉइड का 11 वर्जन दिया गया है। अगर लेटेस्ट वर्जन 12 होता तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता। चलिए इसको रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिस्टार्ट होने में कितना टाइम लगाता है। बैटरी मिलती है दोस्तों इसके अंदर 5000mAh की, एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। चार्जर भी काफी ज्यादा फास्ट है तो बैटरी को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर दिया गया है। अब दोस्तों अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर है, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया चाहिए, तो दोस्तों प्रोसेसर इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। हैवी यूजर अगर आप है तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। गेम वगैरह जैसे आपको बहुत ज्यादा खेलने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको स्पीड काफी कमाल की मिल जाती है। प्रोसेसर तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों रिस्टार्ट भी काफी जल्दी हो गया। कुछ एप्लीकेशंस भी ओपन करके देखते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल यूज के अंदर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और दोस्तों हैवी यूज के हिसाब से भी ये फोन काफी बढ़िया है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर बहुत बढ़िया मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको मेन कैमरा जो 50MP का दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों कैमरे की जो क्वालिटी है वो मुझे इसकी नॉर्मल लगी। अब देखिए फोन के अंदर कैसे ही कैमरा हो, सबसे बढ़िया अगर डिस्प्ले होती है ना तो एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़िया हो जाता है देखने का। अब ऐसा तो है नहीं, अब इससे फोटो खींचेंगे आप हर बार कंप्यूटर में डाल के देखेंगे, फोन में देखना होता है हर किसी को, तो वो चीज जो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी डाउन लग रही है। इस वजह से मेरा फोटोज का जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे थोड़ा नॉर्मल ही लगा इसके अंदर। तो कैमरे को दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, नॉर्मल यूज के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। कैमरे की वजह से आपको फोन लेना है तो दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस इस चीज का नॉर्मल ही लगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कलर थोड़े और ज्यादा बेटर होने चाहिए था, तो दोस्तों फोटोज की क्वालिटी भी और ज्यादा बेटर लगती देखने में। बाकी दोस्तों ये सारी खूबियां कमियां आपको मिलती है पोको M4 Pro के अंदर 5G में 15,000 में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी नॉर्मल मिलती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, डिजाइन अच्छा है, साइज बढ़िया है, फुल HD प्लस है। बाकी अगर AMOLED डिस्प्ले होती तो काफी बढ़िया रहता। तो डिस्प्ले को लेकर तो दोस्तों ये फोन मुझे इसका प्राइस पॉइंट को देखते हुए नॉर्मल लगा। इसी के साथ अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए, 5G फोन लेना है, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। ये खूबियां तो काफी अच्छी है। और डिजाइन दोस्तों मुझे इस फोन का थोड़ा सा मिक्सअप ही लगा, इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं लगा, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा नया है, तो दोस्तों मुझे नॉर्मल लगा इस चीज में। लुक वाइज तो काफी बढ़िया दोस्तों, कलर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका इनहैंड फील है और थोड़ा हैवी है ये फोन, तो इस चीज में मुझे ये फोन नॉर्मल लगा। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल मिल जाती है, तो 5G फोन आपको चाहिए परफॉर्मेंस की वजह से। इसी के साथ दोस्तों आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी, कैमरा मुझे इसका प्राइस पॉइंट को देखते हुए दोस्तों नॉर्मल लगा। और रैम और स्टोरेज भी इतनी ज्यादा नहीं दी गई, 128GB स्टोरेज होती तो बहुत बढ़िया रहता। अब दोस्तों आप बताइएगा अपना ओपिनियन, आपको कैसा लगा कैसा नहीं, और आपको इसका कंपैरिजन देखना है किसी और फोन के साथ तो कमेंट कर दिएगा दोस्तों वीडियो के नीचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी पसंद की वीडियो भी जल्दी लेकर आने की। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे और जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और दोबारा मुलाकात हो जाए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर।